राजस्थान के सामने है दिल्ली। राजस्थान पिछला मैच जीता और दिल्ली हारा था। रियल इलेवन फैंटेसी पिक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। और ये मैच, मतलब ये जो इनक्रेडिबल हमारी लीग है ना, ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और बड़े मजे मजेदार रिजल्ट आते जा रहे हैं। वैसे आप जीत रहे हो नहीं जीत रहे हो ये बताओ, आपकी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, फेवरेट टीम की नहीं, आपकी फैंटेसी टीम की बात कर रहा हूँ। आई होप दैट यू आर प्लेइंग रियल एंड प्लेइंग रियल, क्योंकि अब रियल जीतेगा इंडिया। रियल इलेवन ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। टीम बना लो, क्योंकि टीम बनाना मेरा ये फर्ज है, ये आपके प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हमें निभाना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। जॉस बटलर से शुरू करते हैं हम। 9.5 क्रेडिट के साथ मैंने उनको पिक किया है। और इसमें मैंने एक ही कीपर को पिक किया है, क्योंकि सामने वाली टीम का कीपर ना 50-50 चल रहा है। अगर पंत होते तो मैं कहता चलो इनको पिक कर लो, लेकिन एलेक्स केरी की बैटिंग नहीं आ रही। अब इस मैच में क्या होगा, आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सेफ बैट की तरफ क्या हूँ, वो है जॉस बटलर, मेरी टीम में है, राजस्थान के भी कीपर हैं और ड्यू टू फायर है, मतलब लगातार खराब करते रहे, इतने मतलब बड़ा खिलाड़ी है ना, लगातार खराब नहीं करेगा, इज व्हाट आई फील। पृथ्वी शॉ को मैंने पिक किया, पिछला मैच मिस आउट कर गए थे, पर ये भी खिलाड़ी बड़ा अच्छा है, तो अगर पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए तो इस मैच में तगड़ी बल्लेबाजी का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो मेरी टीम में स्टीव अनस्टॉपेबल्स हैं। अब उस टीम के भी कप्तान हैं, मेरी टीम के नहीं है, सिर्फ उस टीम के कप्तान राजस्थान के, मैंने उनको अपनी टीम में रखा है। बहुत महंगे भी आते हैं, 9.5 क्रेडिट्स में आते हैं, पर रियल 11 पे क्या होता है, आपको ना क्रेडिट कम नहीं पड़ते, आराम से आप पूरे क्रेडिट्स आप खरीद सकते हैं, मतलब पूरे क्रेडिट के साथ आप अपनी टीम बना सकते हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स को आप चुन सकते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। श्रेयस अय्यर मेरी टीम में है और मेरी टीम में अजिंक्य रहाणे। देखिए रहाणे के लिए तो थोड़ा ग्रज मैच होगा, क्योंकि इस टीम ने इनको जाने दिया, अब अगर जाने देते हैं तो फिर उनको भी तो लगता होगा ना कि यार ये क्या बात हुई, मुझे आपने भेज दिया, सामने जहाँ भेजा वहाँ मेरे को मौका नहीं मिलता, आई मीन व्हाट इज़ द पॉइंट यार। और इस टीम के खिलाफ इसलिए वो ग्रज मैच के लिए मैं कह रहा हूँ रन बनाने पड़ेंगे, और पिछले मैच में रन नहीं बने हैं। तो रहाणे इज ऑल्सो अनदर प्लेयर हु इज टू गुड टू फेल फॉर टू इनिंग्स एंड ही इज बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैंने तो अपनी टीम में इनको पिक कर लिया है। इस बार मैंने 3 ऑलराउंडर पिक किया, क्योंकि दोनों टीम्स में ना ऑलराउंडर भरे हुए हैं। शुरुआत कर लेते हैं अक्षर पटेल से। अक्षर पटेल ही स्लिप्स अंडर द रेडार, लोगों को पता नहीं चलता कि अच्छा कर रहे हैं, पर ये अच्छा कर रहे होते हैं, चार ओवर भी अच्छे डालते हैं, बैटिंग भी पटेल अच्छी करके जाते हैं, एक आधी कैच पकड़ लेते हैं। अक्षर पटेल शुड बी इन योर साइड, ही इज इन माई साइड, मेरे जो अपनी टीम बना रहा हूँ उसमें मैंने इनको रखा है। मार्कस टॉइनिस, आई मीन कसके मार रहे हैं मार्कस, और मैच विनिंग पारियां खेल रहे हैं। पिछले मैच में जरूर रन आउट हो गए थे, वो मुझे लग रहा है शिखर धवन को शायद अपना विकेट सेक्रीफाइस करना चाहिए था, बट दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ। मार्कस टॉइनिस मेरी टीम में बॉलिंग भी करते हैं और इन पे दारोदार ज्यादा रहेगा, क्योंकि हेट मायर नहीं खेल पा रहे हैं ना, सारा कॉम्बिनेशन जो है वो ऋषभ पंत की इंजरी से बिगड़ गया है। बेन स्टोक्स मेरी टीम में, बेन स्टोक्स पिछले मैच में एक ओवर डाला था उन्होंने और ओपन की थी बल्लेबाजी, इस मैच में ज़्यादा बॉलिंग भी करेंगे, ज़्यादा बैटिंग भी करेंगे और मुझे लगता है रन भी बनाएंगे, मेरी टीम के कप्तान हैं। मैंने अपनी टीम का कप्तान बनाया बेन स्टोक्स को, क्योंकि अब इस टीम को अगर आगे की तरफ जाना है, राजस्थान को जीत के वो जो मुहिम को बनाए रखना है, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव हिम इन योर साइड और ही हैज़ टू स्कोर एंड ही मेरी टीम में तो मैंने कप्तान बनाया भैया। जोफ्रा आर्चर को मैंने 9 क्रेडिट्स के साथ अपनी टीम में रखा है, ही इज़ बीन वेरी गुड बॉलिंग के साथ, बैटिंग के साथ, ही समन जिनको आप अपनी टीम में जरूर रखें, 3 बॉलर रखने थे, मैंने ककीसो रबाडा को रखा है 9 क्रेडिट में। ये जो T20 लीग होती है, इसके इतने महत्वपूर्ण प्लेयर हैं और ये हमेशा इतना अच्छा करते हैं कि इनको आप हमेशा टीम में रखो, और मुझे तो लगता है पर्पल कैप ना बिल्कुल ये इनके पास ही रहती है, किसी और के पास जाती नहीं है। आखिरी में मैंने पिक किया है रविचंद्रन अश्विन को, ये भी 9 क्रेडिट्स में मेरे पास आए हैं। तो आई हैव गॉट अ डीसेंट टीम एक्चुअली। अब आपके लिए मैं एक दो टिप देता हूँ, एक तो ये कि आप ध्यान रखिएगा कि टॉस पे कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, इफ समबडी इज मिसिंग आउट बिकॉज ऑफ एन इंजरी और समथिंग, मेक दैट चेंज। कैप्टन ट्वाइस द पॉइंट्स एंड वाइस कैप्टन 1.5 गुना पॉइंट्स, तो वो भी जरा ध्यान से सोच समझ के आप उस खिलाड़ी का आप चयन करें। अब रियल 11 के बारे में आपको बता देता हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ और बताता हूँ कि आप ना गैजेट लीग शुरू हो गया। अब गैजेट लीग में क्या होता है कि आपके पास 1 रुपये की एंट्री फीस करते हैं और इतने सारे आप इनाम जीत सकते हैं, मतलब वहाँ पे फ़ोन है, वहाँ पे एलेक्सा है, वहाँ पे टीवी है, आई मीन व्हाट एल्स यू वांट यार, वो सब कुछ मिलता है। और इनफैक्ट 1, 2 और 5 मिनिमम एंट्री फी में आप एंटर कर जाओ, क्योंकि अगर आप नए हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे खेलना है क्या करना है, तो छोटी सी एंट्री फीस लगाइए और कम से कम अपने वो 1, 1, 2, 2, 5, 5 रुपये करके आप सीखना शुरू कर जाइए कि कैसे फैंटेसी लीग को खेलना है। उसके बाद फिर आप जब आइडिया हो जाए तो फिर आप और टीम्स बनाइए और जीते जाइए। आई थिंक दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप डाउनलोड करते हैं, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, इनवाइट कोड में आकाश का इस्तेमाल करें, AASH, आपको मिलेगा कैश बोनस। और कैश बोनस की भी बड़ी मजेदार बात है, इस ऐप में कुछ कॉन्टेस्ट ऐसे हैं जिसमें आप 100% तक कैश बोनस का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी ऐप में ऐसा नहीं होता, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। सो देयर इज अ लॉट दैट्स हैपनिंग, क्योंकि अब रियल खेलेगा इंडिया, रियल जीतेगा इंडिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए।